बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल नंबर 12 को सॉल्व किया था जी। आसान न्यूमेरिकल था लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। अब हम आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। बुक का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इन तीन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके पास। कह रहे हैं जी, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 डायोप्टर्स इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ -2 डायोप्टर्स। सबसे पहली बात, ये कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है जी, तो हमारे पास दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ या पावर है, यहाँ पर डायोप्टर का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, पावर दी हुई है, इसी तरह यहाँ पर भी पावर दी हुई है। हम जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसकी पावर या फोकल लेंथ को हम प्लस में लेते हैं, और अगर कॉनकेव लेंस होता है तो उसकी पावर या फोकल लेंथ को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने कॉनकेव लेंस की पावर को माइनस में ही दिया हुआ है, इसलिए हम माइनस में ही रख लेंगे। लेकिन सब में याद रखें, अगर आपको ये माइनस में नहीं दिया हुआ होता तब भी आप माइनस साइन लगाते, बिकॉज इट इज़ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं जी दो लेंस हैं, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर है 4 डायोप्टर, और एक आपके पास डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस है उसकी पावर है -2 डायोप्टर्स कंबाइन हुए हैं। कंबाइन का मतलब वही हो गया जी कि एक ऐसे लेंस है और एक ऐसा लेंस है। ठीक है, ऐसा वही कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज वाला फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। ठीक है, वही 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। तो हमसे कह रहे हैं जी दो किस्म के लेंस है जी। एक आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर को हम कह लेंगे P1, कितनी है जी 4 डायोप्टर्स। और एक आपके पास है डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम कह लेंगे इसकी पावर को P2, और इसकी पावर कितनी है -2 डायोप्टर्स। दो किस्म के आपके पास लेंस हो गए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, दोनों की पावर आपने लिखी। फिर क्या कहते हैं जी, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों लेंस को मिला के जो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो आपको पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन मालूम करना है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन मालूम करना है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हमने ड्राइव किया हुआ है जी, अगर हमारे पास दो लेंस होते हैं, अगर हम दोनों लेंस को कंबाइन कर लेते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी पावर, इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये इसका फॉर्मूला था फोकल लेंथ का। और पावर का हमने क्या फार्मूला बनाया था, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक है, तो इस दूसरे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा P1 + P2। वैल्यूज डालते हैं जी, फर्स्ट लेंस की जो हमारे पास पावर है 4 डायोप्टर्स है, प्लस सेकंड लेंस की जो पावर है वो है -2 डायोप्टर्स। प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, और 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 डायोप्टर्स जो है ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर आ रहा है। ठीक है जी, तो हमने पहली चीज़ यानी कि ये जो पावर मालूम करनी थी ये हमने मालूम कर ली। दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन का पावर आ रहा है 2 डायोप्टर्स। अब हमने फोकल लेंथ निकालनी है जी, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है, वो तो बहुत आसानी तरीके से निकल आएगी। अब ये है जी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और हम पावर से फोकल लेंथ को कैसे मालूम करते हैं जी, इस फॉर्मूले से P = 100/फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम पावर को मालूम कर लेते हैं फोकल लेंथ से। इसी फॉर्मूले में अगर हमें फोकल लेंथ मालूम करनी हो तो हम इसको आगे पीछे करके मालूम कर सकते हैं फोकल लेंथ। अब चूंकि यहाँ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ निकलेगा वो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकलेगा। अब हम वैल्यूज डालते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, 2 = 100/फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मालूम कर। F उधर चला जाएगा 2 के पास, 2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये रीअरेंज करने पर फॉर्मूला बनेगा 100/2, और फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आपके पास आ गई जी 50 सेंटीमीटर। ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें हमारे पास जो फोकल लेंथ आती है वो सेंटीमीटर में आती है। तो
तो ये हमने दोनों चीज़ें मालूम कर लीजिए, ये हो गई पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये हो गई जी फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप चाहें तो वैसे भी मालूम कर सकते हैं कि ये पावर ऑफ फर्स्ट लेंथ से, इसके ज़रिए आप निकाल लें जी पावर ऑफ एफ वन, इसके ज़रिए आप निकाल लें पावर ऑफ एफ टू, और फिर वही वाला वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, उस वाले फॉर्मूले के जरिए फोकल लेंथ निकाल लें। लेकिन ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमने एक सिंपल मेथड रख लिया। हमने क्या किया, जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ रही है ये हमने पावर ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिया ये वाला, और इसमें हमने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लगाया, तो अब जो फोकल लेंथ आएगा वो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और वही हमें मालूम करना था। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था जी, क्वेश्चन नंबर 13 ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इट इज़ अ बिट ऑफ ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स स्क्रीन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है स्क्रीन पर, और स्क्रीन लेंस से कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि बात की गई है पहले जुमले में। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कॉन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है ऑन अ फिक्स स्क्रीन, एक फिक्स स्क्रीन पर यह इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये जो स्क्रीन है ये 20 सेंटीमीटर लेंस से दूर है। ऐसा कुछ मामला हो गया जी, ये आपके पास लेंस हो गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके पास है स्क्रीन। अब ये कॉन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो कहाँ बनता है जी, 20 सेंटीमीटर दूर जो स्क्रीन है वहाँ पे। देखो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है ना, यहाँ इमेज बन रहा है, और हमसे क्या कह रहे हैं कि स्क्रीन जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, यानी कि ये जो लेंस है और ये जो स्क्रीन है इन दोनों के दरमियान 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब चूंकि इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन आपका लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये आपका हो जाएगा क्यू इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज आपका यहाँ बन रहा है, लेंस से आपका फासला मेजर हुआ है, तो दैट विल बी द क्यू। तो ये आपको जो 20 सेंटीमीटर दूर हुआ है ये आपका है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है स्क्रीन पे बनाता है, और स्क्रीन जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है, लिहाजा स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, स्क्रीन 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये क्यू हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। आगे देखते हैं, ऑन मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब आप लेंस को 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हो, मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर, मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया ये, आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो जी ऑब्जेक्ट की तरफ, कितना 60 सेंटीमीटर और दूर लेके जा रहे हो, आप लेंस को मूव कर रहे हो 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये जो लेंस है हम इसको ऐसे यहाँ लेकर आ रहे हैं, इस तरफ कहीं लेकर आ रहे हैं, रेड पेन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ कहीं हम 60 सेंटीमीटर दूर लेके जा रहे हैं। द इमेज इज अगेन फॉर्म ऑन द स्क्रीन, अब दोबारा जो है वो स्क्रीन पर एक इमेज बन रहा है, लेकिन अब आप देखोगे तो इमेज डिस्टेंस अब थोड़ा बढ़ जाएगा, अब इसको अब क्यू वन कह लेते हैं। अब हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, पहला इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, 60 सेंटीमीटर लेंस को आपने और दूर कर दिया, तो अब आपके पास इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 80, ठीक है। तो बस सीधी सी सीधा सा मामला है जी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, एक लेंस था, एक स्क्रीन, लेंस ने आपके इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया 20 सेंटीमीटर दूर, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इमेज डिस्टेंस Q1 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, लेंस को 60 सेंटीमीटर और दूर कर दिया स्क्रीन से, ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आ गए, 60 सेंटीमीटर आपने और दूर कर दिया, तो अब भी आपका दोबारा इमेज बन रहा है स्क्रीन पर, लेकिन अब जो इमेज बन रहा है तो अब इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, 60 सेंटीमीटर दूर कर रहा है, तो 60 प्लस 20 80 सेंटीमीटर। जब हमारे पास लेंस इस पोजीशन में था हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स कह लेते हैं, और अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हम कैसे मालूम करेंगे, एक्स माइनस 60, क्योंकि एक्स हो गया जी पूरा, अब इसमें से आपने 60 सेंटीमीटर करीब कर दिया, तो अब आपके पास पी टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 60, तो ये पी वन ये पी टू, ठीक है। तो मैं ज़रा इस डायग्राम को एक दफ़ा रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से बात क्लियर हो जाए, फिर हम डेटा बनाते हैं इसका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पूरा पढ़ लिया जी, आखिर में क्या कह रहे हैं, इमेज इज फॉर्म अगेन ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमें लेंस का फोकल लेंथ बनाना है। तो हमसे ऐसा कह रहे हैं जी कि सबसे पहले हमारे पास ये लेंस था, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और स्क्रीन पर ये इसका इमेज बनता है,
ये इमेज बन रहा है जी स्क्रीन पर। फिर हमें कहा गया कि ये जो इमेज है आपका लेंस से कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस Q1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ था शुरू में, तो हम कह लेते हैं जी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम कहेंगे P1, हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये नहीं दिया हुआ। ये हो गई जी पहली सिचुएशन, आपके पास लेंस है, आपका लेंस इस ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाता है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो हमने लिख दिया Q1 60 सेंटीमीटर, सॉरी ये 20 है जी, ये 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर बनाया तो हमने लिख दिया ये रहा 20, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस एक इमेज बनाता है जी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हमने लिखा Q1, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ था तो हमने कहा P1x। फिर दूसरी सिचुएशन ये आ गई जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लेंस को 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के तरफ लेके गए हो, ठीक है। अब दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को, लेंस को हमने ऑब्जेक्ट के 60 सेंटीमीटर करीब ले आए, मजीद हमने 60 सेंटीमीटर करीब ले आए। अब आपका जो इमेज बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, अब भी स्क्रीन पे बन रहा है, तो अब आपके पास जो इमेज डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे Q2। अब ये कितना हो जाएगा जी, शुरू में 20 सेंटीमीटर था, 60 सेंटीमीटर आपने और दूर कर लिया, तो 60 प्लस 20 80 सेंटीमीटर हो गया अब इमेज डिस्टेंस, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब भी हमें नहीं दिया हुआ P2। और अब कितना हो जाएगा जी, x-60, x शुरू का था, फिर चूंकि आपने 60 सेंटीमीटर लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब कर दिया तो 60 सेंटीमीटर आप माइनस कर दें, तो P2 हो जाएगा आपका x-60। दैट विल बी द डेटा, इस डेटा को हम नोट डाउन कर लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। मेरे पास P1 ऑब्जेक्ट इनिशियल किस पोजिशन पर रखा हुआ था, नहीं पता, x कह दिया। पहला इमेज हमारे पास बना था वो कहाँ बना था, 20 सेंटीमीटर दूर, तो हमने कहा Q1 20 सेंटीमीटर। फिर हमने लेंस को मूव किया, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, P2, अब भी हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें इतना पता है जी कि इनिशियल पोजीशन से माइनस कर देंगे हम 60 सेंटीमीटर, x-60, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को, लेंस को हमने ऑब्जेक्ट के करीब लाए, 60 सेंटीमीटर करीब लाए, तो प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उसमें से हमने माइनस कर दिया 60। और अब हमारे पास Q2 कितना हो गया जी, पहले इमेज जो बन रहा था वो 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा था, 60 सेंटीमीटर आप लेंस को और दूर ले गए, तो अब 60 प्लस 20 80 सेंटीमीटर जो है हमारे पास Q2 हो गया, फोकल लेंथ हमें बतानी है। ये है जी हमारे पास डेटा, ठीक है, P1 Q1 P2 Q2। चले जी, अब हम पहले तो सबसे पहले जब इनिशियल सिचुएशन थी ना, ये वाली सिचुएशन जब, इस पर हम मिरर वो थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f = 1/P1 + 1/Q1। इस टाइम पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इस टाइम पर निकालेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो 1/f = 1/P1 + 1/Q1, व्हाट इज P1, x, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 विच इज 20, ठीक है जी। अब 20 और x का एलसीएम निकालेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं जी डिनोमिनेटर्स, तो 20 और x मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 20x। अब ये x से x कैंसिल हो गया, इधर बचा 20, प्लस 20 से 20 कैंसिल हो गया, इधर बचा x, और इस साइड पे क्या है आपके पास, 1/f। अब ये अलजबरा है, अब इसको हम पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा f, यहाँ पे भी ये ऊपर नीचे पलट जाएगी जी, 20x / 20+x, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहले सिचुएशन में हमने फोकल लेंथ का वाला फॉर्मूला लगाया, अब हम दूसरी सिचुएशन पे लगाते हैं जी, 1/f = 1/P2 + 1/Q2। वैल्यूज डालते हैं जी, P2 कितना है, x-60, प्लस Q2 कितना है, 80, ठीक है जी, और इधर है 1/f, एलसीएम लेते हैं, नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मिला के बस ऐसे लिख देते हैं, 80 (x-60), ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस मैंने ऐसे मिला के लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है। अब क्या होता है जी, नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, तो x-60 कट गया, 80 यहाँ आ गया, प्लस इधर आप देखेंगे तो 80 से कट जाएगा, x-60 आ जाएगा, ठीक है जी, 1/f, ये एलसीएम निकाल लिया हमने।
अच्छा जी, अब 80 में से ये वाला 60 माइनस कर दें, 20 बच जाएगा, 20 प्लस एक्स ऊपर बचा, नीचे हमारे पास है जी 80, ब्रैकेट के अंदर है एक एक्स माइनस 60, 1/f। अब हम इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, f इज इक्वल्स टू 80 ब्रैकेट में है एक्स माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स। ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, दो इक्वेशंस हो गई जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है ना, देखें एफ, लिहाजा कंपेयर करते हैं जी इन बोथ इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो इधर से हमारे पास आएगा 20x डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स, और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा जी, 80 ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 60 और डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिया। नाउ अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी, 20 प्लस एक्स दोनों तरफ से कट जाएगा जी, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ बचा हमारे पास 20x, यहाँ बचा हमारे पास 80 ब्रैकेट में है एक्स माइनस 60। अब आप इस ब्रैकेट को खोल लो, 20x 80 को आप x से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 80x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 8 48 और 2 0। रीअरेंज करें जी, प्लस का 80 है जी, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का 80 हो जाएगा, 20x माइनस 80x, इधर हमारे पास बचा माइनस का 4 8 00। प्लस माइनस माइनस होता है, 80 में से 20 निकालेंगे, 60x बचेगा, साइन बढ़ेगी यानी के माइनस की साइन, इधर हमारे पास क्या बचा, माइनस 4 8 00x। दोनों तरफ से माइनस काट दें, एक्स को रहने दें, 60 आप दूसरी तरफ लेकर जाए, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 8 48 0, एक्स इज इक्वल्स टू 80। तो वो जो पी आ रहा है ना, वो एक्स जो हमने क्या नाम है यानी कि कंसीडर किया था, वो हमने निकाल लिया। दैट इज़ दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट सिनेरियो, पहले सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये हमें मालूम हो गया, हमें ये थोड़ी मालूम करना था, हमें तो फोकल लेंथ मालूम करना था। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला लो और उसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल दो, तो हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला बनाया था 20x डिवाइडेड बाय क्या था जी, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स यही था, 20x डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स। अब इसमें हम x की जगह 80 डाल देते हैं जी, 20 ब्रैकेट के अंदर आ गया 80, नीचे होगा जी 20 प्लस 80। सॉल्व करते हैं जी, 20 और 80 को मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 100, और इन दोनों को ऐड करें तो ये 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, फोकल लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। प्योर अलजबरा वाला मैथमेटिक्स, अलजबरा वाला न्यूमेरिकल था कि एक्स कंसीडर किया और सॉल्व किया। ठीक है, तो मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, अलजेब्रा में अगर आप अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो दैट इज एन इजीस्ट न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहते हैं जी, देखते हैं, लेट्स सी, टू कन्वर्जिंग लेंसेज, दो कन्वर्जिंग लेंस आपके पास हैं, यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास हैं, आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। चले जी एक कंसिडर कर लेते हैं, ये एक लेंस हो गया आपके पास पहला कन्वर्जिंग लेंस, फर्स्ट वन, और ये हो गया आपके पास दूसरा कन्वर्जिंग। ठीक है जी, ये आपके पास दोनों कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब हो गया कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको तो हम कहते हैं लेंथ कह लेते हैं, दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप लेंथ कहते हो, तो एल कह देंगे हम इसको। फोकल लेंथ ऑफ ईच इज 10 सेंटीमीटर, दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ है, पहले लेंस की भी दूसरे लेंस की भी, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो इसकी भी फोकल लेंथ आपको पता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दो कॉन्वेक्स लेंस आपके साथ हैं, दोनों की फोकल लेंथ सेम है 10 सेंटीमीटर, दोनों के दरमियान फासला 25 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन लेंस, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ एक लेंस के आगे रखा है, एट 50 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा P1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन लेंस एट 50 सेंटीमीटर,
एक लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा 50 सेंटीमीटर दूर, दैट इज द पी वर्ल्ड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज। इस ऑब्जेक्ट और जो फाइनल इमेज जो कि ये वाला लेंस बनाएगा उसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। लेट्स से कि यहाँ पे बन रहा है जी फाइनल इमेज, दैट इज द फाइनल इमेज, ये बन रहा है सपोज करें जी फाइनल इमेज। तो हमसे कहे जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो फाइनल इमेज है इसके दरमियान ये पूरा डिस्टेंस आपको मालूम, पूरा डिस्टेंस आपको मालूम करना है। अब हम इसको ज़रा कंसिडर करें, तो लेट से कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी वन। अब पहला लेंस इसका ये इमेज बनाता है, ये इमेज बनाता है, तो पहले लेंस का और इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा क्यू वन, ठीक है जी। अब ये वाला जो इमेज है ये इसके लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और इस लेंस ने ये फाइनल इमेज बनाया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा क्यू टू, ठीक है। हमने अपने डिस्टेंस को चार हिस्सों में तोड़ दिया है, पी वन पी टू, देख अब देखें ये हो जाएगा पी वन, ये हो जाएगा क्यू वन, ये हो जाएगा पी टू, ये हो जाएगा क्यू टू। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, चारों डिस्टेंस को ऐड कर दो, पी वन प्लस क्यू वन पी टू प्लस क्यू टू, ये हमने एक सिनेरियो बना लिया। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर है और दोनों लेंस के दरमियान है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। एक लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है और फिर आपको बताना ये है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो आपके पहले इमेज से और फाइनल इमेज के दरमियान कितना फासला है। हमने ये दोनों लेंस बनाए, हमने उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हो जाएगा जी पी वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। अब इस लेंस ने यहाँ इमेज बनाया, ये फर्स्ट इमेज है जी, पहले लेंस का इमेज है, तो यहाँ से इस लेंस से इमेज तक का फासला हो गया क्यू वन, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। अब ये इमेज जो होता है ये सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेंस हो गया, तो ये हो गया जी पी टू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड लेंस। फिर सेकेंड लेंस ने ये फाइनल इमेज बनाया, ये लेंस है, ये डिस्टेंस इमेज है, तो ये हो जाएगा जी क्यू टू। अब पहला ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के दरमियान डिस्टेंस कितना हो रहा है, पी वन क्यू वन पी टू प्लस क्यू टू, ठीक है जी। और बाकी आपको लेंथ का पता है जी, लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू वन प्लस पी टू। डायग्राम देख लो, दोनों लेंस के दरमियान फासला जो है वो कितना है, क्यू वन प्लस पी टू, यानी कि यहाँ से यहाँ हो गया क्यू वन, यहाँ से यहाँ हो गया पी टू, दोनों को ऐड कर दो तो ये एल के बराबर होता है, दैट विल बी द डेटा। अब हम डेटा बनाते हैं जी, हमारे पास ब्लू से सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस कितनी है, जितनी फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ कितनी है जी 10-10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वन फोकल लेंथ टू बोथ आर 10 सेंटीमीटर। एल हमारे पास कितना है जी 25 सेंटीमीटर, जबकि हमें सिर्फ पी वन दिया हुआ है, कितना 50 सेंटीमीटर, सिर्फ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें मालूम क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो फाइनल इमेज है इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस, इसको हम कह लेते हैं डी, डी हमें मालूम करना है। और हमने इस डायग्राम से इसका फॉर्मूला बना लिया जी, डी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी वन प्लस क्यू वन प्लस पी टू प्लस क्यू टू, दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इमेज डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डी मालूम करने, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं जी। अच्छा, जब डी मालूम करने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए, पी वन क्यू वन पी टू क्यू टू। पी वन है आपके पास, पहले तो आपने क्यू वन निकालना है, लेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन क्यू वन। फिर पी टू निकालेंगे, फिर क्यू टू निकालेंगे, ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी होगी, फिर जाके हम इस फॉर्मूले को लगा के अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो चलिए क्यू वन पहले मालूम करते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। फर्स्ट लेंस की बात करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ वन, ये हो जाएगा वन अपॉन पी वन, ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू वन। वैल्यूज डालते हैं जी, वन अपॉन एफ वन जो है हमारे पास 10 है, पी वन हमारे पास कितना है जी 50 प्लस क्यू वन हमें इस फॉर्मूले से मालूम करना है। रीअरेंज करेंगे तो वन अपॉन क्यू वन इक्वल्स टू वन अपॉन 10
ये प्लस का फ्रैक्शन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 50 और 10 का एलसीएम निकालें अगर आप, तो 50 निकलता है जी, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 1 अपॉन Q1 इक्वल टू 5 में से 1 निकालें, 4 अपॉन 50। रेसिप्रोकल करें जी, Q1 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा जी 12.5। हाँ, Q1 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, या आपने Q1 निकाल लिया, Q1 आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ भी आ गई आपके पास Q1। अब हम P2 निकालते हैं। P2 निकालेंगे हम इस लेंथ वाले फॉर्मूले से, लेंथ ऑफ दी जो लेंथ ऑफ डिस्टेंस, यानी जो दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना लेंथ, उसके फॉर्मूले से हम P2 निकाल लेते, क्योंकि P2 आ रहा है, देखें Q1 आपने निकाल लिया, लेंथ आपको पता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लेंथ निकालते हैं। ये F1 है, ये P1 है, ये Q1 है। अब लेंथ के फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, Q1 प्लस P2 वैल्यूज डालते हैं। लेंथ हमारे पास है 25, Q1 हमने निकाला है 12.5 प्लस P2। P2 को रहने दें, 25 माइनस 12.5, तो P2 भी आपके पास जो है वो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। दो चीज़ें हो गई जी। ठीक है जी, ये भी आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे Q2, इसको भी हम पहले वाले तरीके से निकालेंगे, यानी कि थिन लेंस फॉर्मूला लेंगे। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, लेकिन सेकंड लेंस पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा F2 P2 Q2। ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, P2 हमने मालूम कर लिया 12.5 प्लस 1 अपॉन Q2। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो 1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, और ये माइनस का हो गया जी 1 अपॉन 12.5। अब 12.5 और 10 का एलसीएम निकाल लें जी, सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करें 125 हो जाएगा। ठीक है, 10 को अगर आप 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, अब आप डिवाइड करना शुरू करें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा फिर 10। ठीक है, लेट मी कंफर्म अगेन, कहते तो हाँ यही आएगा, हाँ ये 12.5 हो गया, और 125 डिवाइडेड बाय 12.5 10। ठीक है जी, 12.5 में से 10 माइनस करें, 2.5 बचेगा डिवाइडेड बाय 125। रेसिप्रोकल करें, Q2 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 2.5। Q2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, 125 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 50 सेंटीमीटर। चारों चीज़ें आपके पास आ गई जी, P1, Q1, P2, Q2। अब आप डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2। P1 लेट मी सी कितना है जी, P1 आपके पास है, ये देखें जी 50। P1 हमारे पास है 50 प्लस Q1 हमने कितना निकाला 12.5, P2 हमने कितना फाइंड आउट किया 12.5, और Q2 हमने कितना निकाला जी 50। ऐड कर दें जी, ये हो जाएगा 12, 12.5, 25 और 125, 125 डी हो गया आपके पास, ये आंसर हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो फाइनल इमेज है उसके दरमियान 125 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। न्यूमेरिकल्स हमने फिनिश कर लिए। ठीक है जी, आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए, अब इंशाल्लाह अब माशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह जब हम 10 ईयर्स को सॉल्व करेंगे तो हर ईयर के अंदर इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो यही होंगे जो हमने करें, कुछ एक आध जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो जब हम 10 ईयर्स को टच करेंगे तब हमारे पास जो है वो कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स उस वक्त हम सॉल्व